में बेलागंज में मौजूद हुए और यहाँ पंचायती चुनाव का आज नामांकन का दूसरा दिन है और इस जगह लोधीपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने नामांकन करके और यह सारे अपने समर्थकों के साथ यहाँ मौजूद हैं और इनके साथ यहाँ तमाम समर्थक लोग भी मौजूद हैं और आइए जानते हैं इनसे। आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? सावित्री कुमारी, ये लोधीपुर पंचायत के भावी प्रत्याशी हैं, मुखिया पद उम्मीदवार हैं। तो आपने नामांकन दाखिल करने गई, कोई दिक्कत हुआ वहाँ? तो वहाँ जितने भी पदाधिकारी थे आपके साथ बढ़िया व्यवहार किए, कोई असुविधा नहीं हुई वहाँ? तो आपने तो नामांकन कर ली, लेकिन आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? जो भी अधिकार रहेगा उसको हम अधिकार दिलाएंगे, और इनके साथ महिला सहयोगी भी हैं, बताइए इनको जिताइएगा, इनको जिताइएगा, इनको जिताइएगा जी, इनको जिताइएगा। सावित्री कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ इनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पंचायत चुनाव का नामांकन का दूसरा दिन है और इस जगह मौजूद हैं एक लोधीपुर पंचायत प्रत्याशी महिला उम्मीदवार हैं, मुखिया उम्मीदवार हैं। तो इनका आज ये मन में क्या सोच के इस पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के लिए उतरी हैं, मैदान में आई हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या इनके मन में विचार चल रहा है। तो आप अपना पहले नाम बताएं। इनका ये मुखिया प्रत्याशी हैं, इनका नाम सावित्री कुमारी। आपका घर कहाँ पड़ता है? यहाँ ये लोधीपुर की रहने वाली हैं और ये महिला उम्मीदवार हैं। तो ये बताइए कि आप महिला उम्मीदवार हैं, आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं, पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी हैं, तो आप महिलाओं के विकास के लिए क्या क्या काम करेंगे? करेंगे और अधिकार दिलाएंगे और जो खेल कूद का है, पढ़ाई लिखाई का है, उनको में हम आगे विकास करेंगे। मतलब महिलाओं का जो भी आरक्षण होता है उस आरक्षण को लड़ने के लिए आप तैयार हैं, इसीलिए मुखिया उम्मीदवार से आ रहा समाज सेवा करने के लिए तैयार हैं। और इन्होंने बताई कि जो भी महिलाओं की जरूरत होगी उसके लिए मैं खरा उतरूंगी। तो इन्होंने विकास करने के लिए तात्पर हैं और ये अपने पंचायत के भी विकास करने के लिए तात्पर हैं। आप पंचायत का विकास करेंगी ना? जी, अच्छी तरह। हाँ, इन्होंने स्वीकारा, बोली कि हाँ मैं अच्छी तरीका से पंचायत का विकास करूंगा। इसी के साथ मैं जितनंदन कुमार, BRJ TV, गया। जय भीम, नमो बुधाय।